नमस्कार दोस्तों, हिंदी में सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वर्डप्रेस के अंदर हम थीम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, और जब हमने थीम इंस्टॉल की तो हमारा जो वेबसाइट का फ्रंट एंड है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। बट अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेनू के अंदर ना तो कोई पेजेस है, ना ही यहाँ पर स्लाइडर जो है वो चल रहा है, और ना ही इसमें कोई ऐसा कंटेंट है जिसके द्वारा जो है हमारी वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखे, ना ही यहाँ पर कोई लोगो है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस के माध्यम से अपनी वेबसाइट के ऊपर पेजेस जो है उसको किस तरीके से लगा सकते हैं और उनको मेनू में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेजेस बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल मेथड जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जब आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो आपका जो मेनू है, इस मेनू के अंदर आपको पेजेस का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेजेस के अंदर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके साइड मेनू में यहाँ पर ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस के दो बटन आ जाते हैं। सेम एज पेजेस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बटन हमको पेजेस के जस्ट नीचे भी यहाँ पर दिखेंगे। तो नया पेज ऐड करने के लिए हमें जस्ट ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नए पेज को ऐड करने का यहाँ पर एक फॉर्म खुलता है। जस्ट इस फॉर्म के ऊपर जैसे हमें होम पेज बनाना है, होम पेज से रिलेटेड कोई होम पेज बनाना है, कोई कंटेंट है इस पेज के अंदर जो है हमें लिखना है, तो वो कंटेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पेज का नाम और जो कंटेंट हमें यहाँ पर डालना है वो कंटेंट। दोस्तों, इस पेज को हम अगर डिज़ाइन करना चाहें तो हम यहाँ पर ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट में हम फॉन्ट की स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये हेडिंग बना सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम यहाँ पर पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो हो गया किस तरह से हम पेज बनाते हैं। फर्स्ट जैसे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना होता है, होम का पेज बना लिया। उसके बाद हम एक और पेज बना लेते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू पेज के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अबाउट अस, ये अबाउट अस का एक पेज हमने बना दिया। यहाँ पर इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं, एक और पेज बना लेते हैं, और कॉन्टैक्ट अस। पब्लिश कर देते हैं। इस प्रकार से जो हम पेजेस क्रिएट करते हैं, और हम फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट, होम, सर्विसेज, सिंपल पेजेस, अबाउट अस, और ये पेजेस जो है हमारे यहाँ पर हमें दिखने लगे। हम इन पे पेजेस पे क्लिक करेंगे तो वो जो कंटेंट हमने यहाँ पर टाइप किया था वो कंटेंट भी हमको यहाँ पर दिखने लगेगा। ये अवर सर्विसेज का ये कंटेंट यहाँ पर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस में भी हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट डाला था। बट अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अबाउट अस कहीं और दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस कहीं और दिख रहा है। तो जब हम अपने पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं तब हमें जो है इन पेजेस को ऊपर के जो बटन यहाँ पर दिख रहे हैं इन बटन्स को मैनेज करना होता है, इसको मेनू बार कहते हैं। तो मेनूज को जो है उससे लिंक करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हमने थीम इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में गए थे, यहीं अपीयरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर मेनू का, इसके ड्रॉप डाउन में मेनू का एक ऑप्शन है, जस्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, ये
ये यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके अगर सब मेनू होते हैं तो वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मेनू के ऊपर हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पर मेनू बनाएंगे, जो ऊपर के जो बटन होते हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। तो मेन मेनू इसका नाम दे देंगे, इसको जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेनू बन गया है। बट अभी इस पर कोई बटन नहीं है, तो वो जो पेजेस हमने बनाए थे वो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे पेजेस दिख रहे हैं। तो हम जो है इन पेजेस को मेनू के अंदर ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इनको सिलेक्ट करना है और ऐड टू मेनू पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने ऐड टू मेनू पे क्लिक किया तो यहाँ पर सारे बटन हमें शो हो गए, बट अभी देखिए ये कुछ आगे पीछे हैं, तो हम इनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है इनको, ये देखिए होम को मैंने ऊपर कर दिया, उसके बाद सैंपल अबाउट अस लगा दिया, आवर सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। और अगर आपको पेज के अंदर ड्रॉप डाउन में सब मेनू बनाना है तो आपको जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इसके पैरेलल बराबर में लगा है इसको थोड़ा सा आगे कर देना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना। आप ये देख सकते हैं, आप ये मेन मेनू है और ये इसका सब मेनू है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने बटन को एडजस्ट किया और उसके बाद में हमने इसको सेव कर दिया। तो ये सेव हो गए हैं और अभी जो है हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, सेव हो गए हैं बट अभी भी ये जो है आगे पीछे ही है। तो इसके लिए जो है हमें मेनू लोकेशन का एक जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है जब मेनू लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे से प्राइमरी मेनू, टॉप मेनू और यहाँ पर जितने भी प्रकार के मेनूज हम बनाते हैं वो इस तरह से यहाँ पर पूछता है। तो प्राइमरी मेनू जो मेन मेनू होता है उसको कहते हैं, जो मेन बटन्स का जो ऊपर स्लाइड होती है उसको कहते हैं। तो जस्ट यहाँ पर प्राइमरी मेनू के ड्रॉप डाउन पे हमने मेन मेनू को सिलेक्ट किया एंड देन सेव चेंजेस। जैसे ही हमने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने जिस ऑर्डर में वहाँ पर मैनेज किए थे उसी ऑर्डर में हमारे ये जो मेनू है यहाँ पर ये चेंज हो गए, देख सकते हैं आप लोग। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज आ जाएगा और ये देखिए हमने जो ड्रॉप डाउन बनाया था वो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से हमें सिंपल पेजेस के रूप में दिख रहा है। तो दोस्तों पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और उन पेजेस को लिंक कैसे करते हैं मेनू आइटम के साथ में या बटन्स के साथ में, हमने इस वीडियो के अंदर ये सीखा। आने वाले जो वीडियोज हैं उसके अंदर हम एक ब्लॉग पोस्ट किस तरह से करते हैं, उसमें कैटेगरीज किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके ऊपर जो है सीखेंगे, और हमारी जो वेबसाइट है इसमें स्लाइडर वगैरह कैसे लगाएंगे, इमेजेस कैसे ऐड करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टेक्निकल नॉलेज पहुँचाने के लिए जो है इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल अपना टाइप कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए हिंदी में सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।